गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था और ये कहना कि नहीं था, ये कोरा झूठ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को, और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे, और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती। और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया, तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ। दो ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की, साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ऑर्डर है, उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने ये मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन ये बाद में हुआ, पहले 18% जीएसटी यहाँ पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया, ये वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। ये ऑर्डर 12 अक्टूबर का है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था, 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था, और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर, दो बोतलें लेते तो 210 की और चार लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। ये असलियत है, सरकार ने आनन फानन में अपना ये निर्णय बदला। क्या कहा गया था? कहा गया था ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जी जीएसटी लगता ही नहीं, वो भी एक कोरा झूठ। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है, अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूँ, निल जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया, गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं। तो ये जो झूठे और महाझूठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे।